अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूवर, जो सी आज की रेसिपी है वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है और बहुत ही मज़ेदार से, ये है पराठों की रेसिपी। लेकिन ये पराठे किस तरह के होंगे, कैसे बनेंगे और इसकी स्पेशलिटी क्या है, जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं मीठे में रोटी पका के परौंठे दिखा रही हूँ आपको, चीनी वाले। अक्सर बच्चे रोटी नहीं ना खाते तो उन्हें भी ये बंदा बना देता है मीठा परौंठा। ये मैं आपको बताती हूँ, ये छोटी छोटी सी रोटी बेल ली ना ऐसे करके, यानी कि आपकी जो सी हमारी रेसिपी वो मीठे पराठे हैं। हाँ जी, हम इसको मतलब मीठे रोटी जो है आपको बनाना सिखा रहे हैं। हाँ जी, मीठी रोटी भी कह रहे हैं, मीठा परांठा कह लें, जैसे दिल चाहे आपका। चीनी वाले पर सिंपल हम लोगों ने इनको बेल लिया, देख लिया आप लोगों ने कि साइज हम लोगों ने कितना रखना है। ये देखें, ये मैंने ना ग्राइंड की हुई चीनी डाल दी इसमें, कम ज्यादा अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से इसको बंद कर देना। ये देखें, थोड़ा सा रुक आगे दबियान कर। तो ये देख लें अब आप लोग कि मतलब हम लोगों ने किस तरह इसके अंदर जो छोटी साइज़ की हम लोगों ने रोटी बेली है और हम लोगों ने डबल लेयर, मतलब हम लोगों ने इसके दो लेयर्स लगाई हैं। तो उसके बीच में जो फिलिंग की है वो हमने चीनी की, लेकिन चीनी जो सी है वो ग्राइंड की हुई है। अगर मोटी मतलब होगी ना तो वो सुराख हो जाएंगे रोटी में, तो वो सही नहीं रहेगी है। तो मतलब बेलने में ईजी रहेगा आपको, क्योंकि अगर वो दानेदार चीनी होगी तो फिर जब आप उसको बेलेंगे तो जो रोटी है वो ख़राब हो जाएगी और वो फट जाएगी। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये जो रोटी बन गई है और बिल्कुल फटी भी नहीं है। तो इसको हम चूल्हे पर डालते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये रोटी मैं दूसरी बेल रही हूँ। ये देखें, ये भी इस तरह जैसे पहले मैंने बनाई है ना रोटी, वैसे सेम उसी तरीके से। हाँ जी, उसी तरीके से ना। ये देखें, हम लोगों ने इसको कर लेना है, चीनी हम लोगों ने डाल ली। बारिश आ गई, इसको भी वैसे बंद कर लेना हम लोगों। हाँ ने जी, इसे भी बंद कर लेना है। आपको दिखाते हैं चूल्हे की तरफ। हाँ चलते हैं जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रोटी हम लोगों ने डाली हुई है, तकरीबन ये हाफ डन होने वाली। हाँ है, अल्लाह की रहमत भी शुरू हो गई, बारिश भी शुरू हो गई है, बारिश भी शुरू हो गई है और यहाँ गर्मा गर्म रोटियाँ भी बन रही हैं। तो बारिश के मौसम में तो बहुत मज़ा आता है अगर आप लोग मतलब इस तरह की चीज़ें गर्मा गर्म बना कर खाएं, पकोड़े समोसे या ये इस तरह की चीज़ें। तो बारिश भी शुरू हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बारिशों का सीज़न भी है ना। हाँ जी, कल भी बहुत बारिश हुई हमारे इधर, पहले तो कितने दिन तो हुई नहीं ना बारिश, पहले गर्मी तो इतनी गर्मी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। ये देखिए माशाल्लाह, कलर कितना प्यार आ गया और ये फूल कितनी जबरदस्ती रही है, ये देखिए, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही, मीठी मीठी सी। और देख ले माशाल्लाह, जो शीरा है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकला क्योंकि जो चीनी थी वो ग्राइंड की हुई थी। तो ये देखिए आप लोग माशाल्लाह, कितना प्यारा कितना जबरदस्त का कलर आ गया है। ये देखिए, बहुत ही शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, और खुशबू का क्या ही कहना, बहुत ही उम्दा आ रही है। और कलर भी ये देखिए माशाल्लाह, फूल भी रही है और शीरा बिल्कुल नहीं निकला, ना ही ख़राब हुई है रोटी माशाल्लाह। तो ये रोटी जो हमारी वो बन चुकी है। इसी तरह जो दूसरी रोटी है उसको हम डाल लेंगे, उसको सेम तरीके से हम लोगों ने उसको बेल कर बना लेना है। ये हमने दूसरी रोटी भी डाल दी अपनी, सेम इसी तरह हम लोग इसको बना लेंगे घी लगा कर। आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने कितनी अच्छी सी आपको सामने रेसिपी है सिखा दी है, और यहाँ पर हम लोग इसको बना रहे हैं। चीनी हम लोगों ने जो सी ग्राइंड की हुई रही है, अगर आप लोग चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि आपको उसको बेलने में ज़रा हर्डल होगा क्योंकि वो फिर ज़रा फट जाएगी जब आप बेलेंगे। लेकिन अगर ये पाउडर शेप में होगी, पाउडर होगा, तो आप उसको ईजीली बेल सकते हैं, तो आपको मतलब रोटी ख़राब होने का डर नहीं होगा।
सेम इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर क्या इसको बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो से हमारी मज़ेदार सी जो मीठी रोटियाँ हैं, जो हमारे मीठे पराठे हैं, हम लोगों ने तैयार किए। आप इसको जिस टाइम मर्ज़ी बना कर खाएँ, तो क्योंकि पराठे तो खाते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा टेस्ट भी, क्योंकि ये मीठे भी हैं और बच्चों को बना के दें, बच्चे खाते नहीं ना। हाँ, मतलब कुछ लोग इनको चाय के साथ भी खाते हैं, मतलब मीठे पराठे को। आप लोग जैसे मजे होते ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ, जिस तरह आपको दिल करे आप इनको इन्जॉय कर सकते हैं। बच्चों को तो बहुत अच्छे लगे क्योंकि ये मीठे हैं। तो अब हम इसके साइड चेंज कर रहे हैं, देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो गई है ये भी। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे, पहले हम लोगों ने घी नहीं लगाया था, साइड चेंज करने के बाद हम लोग इस पर घी लगा रहे हैं। तो ये भी इसी तरह तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी यूनिक सी जो सी रेसिपीज़ हैं वो सिखाते रहें, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सी हमारी मीठी रोटी है, मीठा पराठा है, वो तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप, इसकी शक्ल माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो गई। मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ कि जो इसका शीरा है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, इतना अच्छा लग रहा है और मीठी मीठी खुशबू यहाँ पर आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी है रोटी के हवाले से पसंद आए, कि पसंद आए तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें और हमें बताएं कि जो सी आज हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की है या आपको कैसी लगी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रही है, कलर बहुत अच्छा आ गया, बहुत जल्दी बन गई है। तो बच्चों को ज़रूर पसंद आई, क्योंकि मीठी है तो बच्चे खा सकते हैं इसको। चाहे आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे खाना ऐसे ही खा सकते हैं, चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आपसे जा जाते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त, क्योंकि सर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और हम भी बारिश को इन्जॉय करते हैं, आप लोग भी इन्जॉय करें अगर आप लोगों के इलाके में बारिश हो रही है। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा मिलते, तब तक के लिए हमें इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।